गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और बताएं आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। जस्ट मैं अभी नहा के फुर्सत हुई हूँ। अभी टाइम हो गए हैं 11 और ये चले गए हैं ऑफिस। और अने भी नहा लिया, बच्चे भी नहा लिए हैं और यहाँ मैंने चालू कर रखा है हीटर। नहा के आने के बाद ठंड काफ़ी लग रही थी। सूरज का तेल एकदम बिल्कुल जम गया है, जिसको अभी मैंने यहाँ पास हल्का रख दिया तो कुछ देर तक रखा रहेगा, तो ये हालत हो गई बॉटल की, पर तेल मेल्ट हो गया है। और मैंने अने को सरसों का तेल सिर में डालने के लिए भी गर्म किया है। सो खाने की तैयारी हो गई है, खाना बन गया है और अभी मुझे जाना है फिर से काम से बाहर। और बच्चे रहेंगे घर में और ये अभी हमने अपना बिस्तर अभी ऐसे ही लगा रखा है नीचे नीचे ही हमने डबल बेड बना लिया है। तो अभी काफ़ी काम, अभी बाल भी गीले हैं। अभी जाके धूप में बैठूंगी कुछ देर तक। सोचे बैठा है तो मैं इसको अभी पहले तेल लगाती हूँ। और देव तो रेडी हो गया है इधर आ, और देव का बर्थडे आने वाला है गाइस। तो आप लोग एडवांस में बर्थडे विशेस करना शुरू कर दीजिए। देव का बर्थडे हो रहा है और आज मेरा बर्थडे है। आज नहीं, आज 30 दिसंबर है। देव का बर्थडे 3 को है। और क्या प्लानिंग हो रही है? देखिए हम लोग के साथ ऐसा रहता है कि हम लोग के कुछ प्लानिंग अभी कुछ नहीं कह सकते। क्या प्लानिंग है, इसका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करेंगे, बस ब्लॉग में बने रहिएगा। जो भी एक्टिविटीज़ हम करेंगे आपसे तो ज़रूर शेयर करेंगे हम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि अभी सब चीज़ें अस्त व्यस्त हैं। तो अभी देव के बर्थडे तक तो नहीं लगता हर चीज़ प्रॉपर सेटलमेंट हो पाएगी, इसलिए कोशिश कर रहे हैं देव के बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं कुछ देखेंगे क्या प्लान करते हैं। आज मैं आपको बात नहीं बताऊंगा, ये सीक्रेट है। हाँ बात नहीं बताएगा, सीक्रेट है। और सीक्रेट ये उसको अपने फ्रेंड्स के साथ अलग बर्थडे बनाना है। ये देखिए बच्चों का रहता है, उसको सारे फ्रेंड्स आए तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। देव के फ्रेंड्स को तो इनवाइट करेंगे, उनका फ्रेंड्स के साथ बर्थडे मनाएंगे, पर एग्जैक्ट 3 को ही मना पाते हैं ये फिक्स नहीं है, पर जनवरी में किसी भी दिन मनाएंगे। ठीक है, सो चलिए पहले आने को तेल लगा दूं मैं, इसके बाद ब्लॉग में बने रहिएगा, मिलते हैं जल्दी। सो आज सुबह सुबह मैंने यहाँ पूरा चीज़ें फैली हुई थी तो मैंने कहा थोड़ा सेट कर दें इनको, तो क्योंकि अभी सामान हम यही है अभी, तो इसको मैंने सेट कर दिया आज पूरा। बाहर वॉशिंग मशीन चली गई तो बाहर कपड़े धो के फैलाना पड़ा कि जल्दी सूख जाए। इधर मैंने बाहर फैला दिए हैं और इधर ये सब है। चलिए अब चलते हैं किचन में खाने की तैयारी। और इधर मैंने बॉईल किए हैं आलू, अब देखते हैं आलू के पराठे बनाऊंगी, आलू की सब्जी और पराठे देखती हूँ। सो गाइस अने को खाना था आलू को भरता ही आलू की सब्जी रोटी मूली। तो ये रहा बच्चों का खाना आज का। अने को ऐसे भरता बहुत पसंद है। और हो गई पूजा, अभी वो पूजा कर रहे हैं। और ये देखिए हीटर चला के चले गए हैं यहाँ से, खा लेंगे। हीटर बंद कर दूँ, ब्लैंकेट फोल्ड करके रखा था तो ये देव इसमें छुप के मोबाइल देख रहा था। हो गई पूजा, चलो खाओ खाना जल्दी से, पहले बच्चों खाना दे दूँ। तुलसी जी में पानी डाल दिया है अने ने। चलिए बच्चों को पहले तुलसी में पानी डाल दिया है अने ने। हाँ चलो खाना खा लो जल्दी, वहीं पास रख दिया मैंने। अब उनको पराठा चाहिए, फिर पराठा बनेगा तो घी का बनेगा, तेल का नहीं। घर से गाय का घी आता है लेकिन इसे गाय का घी पसंद नहीं है। वही खा लो ना रोटी, घी नहीं लगाया मैंने। अच्छा खा लो अभी रोटी, फिर हम पराठा सेक रहे हैं। हाँ उसे घी पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गाय वाला घी पसंद नहीं है अभी भी। देखिए मैं किचन में आ गई ना, लड़ाई चालू है अब मैं चाहती हूँ। देखिए क्या हो गया, क्या हो गया, तो फिर अलग अलग खाना देना शुरू करूं दोनों को। हाँ, हाँ। ऐसे बीच में रखो। हाँ अब खाओ ठीक है। कितने शैतान हो देव तुम, ठीक है देव मैं तुम्हारी दूसरी थाली ला रही, लेकिन अभी चलेंगे ना अपन तो इसको चॉकलेट नहीं मिलेगी, ठीक है पक्का नहीं देंगे इसको आज। कैसे रोटी रख रहे हो, ये क्या है? मुझे
शैतानी किया करो ना। मैं यहाँ रोस्ट कर रही हूँ लाल मिर्च, सिंपल प्लेन आलू का भरता धनिया पत्ती डाल के बहुत पसंद है, और उसमें मैं डालती हूँ लाल मिर्च इसको मैंने भूंज लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने भी बना लिया है अपने लिए स्पाइसी तीखा आलू का भरता और रोटी। अभी सबसे पहले खाना खा लूँ, फिर इसके बाद बाकी काम करते हैं। 8:01 PM नया साल आने वाला ही है, तो एक दो दिन और बचे हैं नए साल के लिए, और मैं यहाँ भी बना रही थी खाना और अपने पुराने वाले किचन में ही बना रही हूँ। बनाई है गोभी टमाटर मटर आलू की सब्जी, और इधर बन रही है रोटी। ठंड तो बहुत ज़्यादा है, ये लोग खा रहे हैं खाना। यहाँ शिफ्टिंग कर दी हमने, यहाँ बेड मतलब बेड वगैरह सब पूरा सामान जा चुका है, सिर्फ किचन की शिफ्टिंग हम अभी नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे कारण है। तो पहले मैं इनको खाना दे दूँ, फिर मैं बताती हूँ कि हमने किचन अभी अपना क्यों नहीं शिफ्ट किया है। सब सामान जा चुका है और अभी हम यहीं रुक रहे हैं, और सिर्फ मैंने दो गद्दे बस रख लिए हैं, तो अभी ऐसे ही है, और बहुत ही जल्दी पूरी शिफ्टिंग हो जाएगी। तो खाना हो गया है और बच्चे खेल रहे हैं अभी, और ये कुछ काम कर रहे हैं, और मैं इतनी टायर्ड हो गई थी कि मैं आराम से बैठ के रिलैक्स कर रही हूँ। बाकी आज है 30 यानी कल 31st साल का आखिरी दिन है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ किचन में शिफ्ट क्यों नहीं किया। अभी चल रहे हैं पंचक, 27 तारीख से लग गए हैं, 27 से पहले ही हमने भगवान वहाँ शिफ्ट कर दिए थे, और फिर अपना सामान तो शिफ्ट हो गया, पर किचन हमने इसीलिए नहीं शिफ्ट किया। पंचक में फिर वहाँ खाना बनाना हमारे लिए वो नया घर है, तो उस घर में खाने की शुरुआत करना और तो अच्छे मुहूर्त अच्छे दिन से, तो इसलिए पंचक चल रहे थे, इसलिए मैंने अभी वहाँ किचन शिफ्ट नहीं किया। 31st को पंचक लास्ट दिन है, तो उसके बाद अब किचन भी शिफ्ट हो जाएगा हमारा। और रही बात ब्लॉग की, तो ये अब नए साल में नए ब्लॉग मिलेंगे, ये इस साल का लास्ट ब्लॉग है। ये साल काफ़ी क्या बताएं, ये साल कैसा रहा है हमारे लिए, इसको हम अच्छा कहें या बुरा कहें, पर मैं तो इसे इस साल को अच्छा ही कहूँगी। क्यों अच्छा कहूँगी, हमारी लाइफ में कहते हैं तूफान आना जो होता है वो ही हुआ था, 8 अप्रैल 2022 को एक एक्सीडेंट हुआ था। तो इस साल को हमारे लिए काफ़ी टफ रहा है, पर अच्छा इस तरीके से मैं अच्छा कहूँगी कि भगवान ने नया जीवन इन्हें दिया, जो नया जीवन इन्हें मिला 2022 में, इनको नया जीवन मिला। तो ये साल को हम बुरे तौर से देखेंगे तो बुरा तो बहुत है, पर इसकी हम इसको पॉजिटिविटी में लेंगे कि नहीं, हमारे साल भगवान ने इतनी बड़ी मुसीबत से निकाला, तो ये साल तो हमारे लिए लकी ही था ना, ये साल हमारे लिए बहुत लकी था कि इतनी बड़ी मुसीबत से भी भगवान ने हमें निकाला। तो इस चीज़ को हम निगेटिव वे में नहीं लेंगे कि हमारे लिए बुरा था, यह हमारे लिए बहुत अच्छा था कि इतनी मुसीबत से भगवान ने बाहर निकाला, तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान सबसे पहले किसी की लाइफ में इतनी बड़ी मुसीबत डाले ना, और अगर कुछ मुसीबत आती तो इसी तरह निकाले जिस तरह हमें निकाला है भगवान ने, तो भगवान की कृपा से बढ़ के कोई कृपा नहीं है। और आई होप कि आप सबका आने वाला साल बहुत अच्छा हो, और आप सबके साथ साथ हमारा भी बहुत अच्छा हो। बस यही है, भगवान की कृपा सब पर बनी रहे और ऐसे जीवन चलता रहे। वगैरह सब खाने के बाद आराम से बैठी थी, थोड़ा सा सोच चलते फिरते तो ब्लॉग अपन करते रहते हैं, थोड़ा सा सोचा बैठ के ब्लॉगिंग करें, आपसे बातें करें सॉरी। तो ये ब्लॉग मैं आज बना रही हूँ 30 दिसंबर 2022 को 10:30 बजे, जो अब मेरा ये लास्ट ब्लॉग है इस साल का। सो गाइज, इस ब्लॉग को यहीं तक रखूंगी, तो चलिए जल्दी मिलेंगे नए साल में और धमाकेदार ब्लॉग के साथ, ये भी कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो नए साल में धमाकेदार ब्लॉग के साथ मिलते हैं, और हाँ, जो भी हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हमसे जुड़िएगा। डेली ब्लॉगिंग बहुत अच्छी अच्छी होंगी, हम पूरी अपनी मेहनत करेंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए, तो आप ऐसे सपोर्ट देते रहिए। ऑयलिंग आज काफ़ी हो रखी है तो आप लोग ऐसे सपोर्ट देते रहिए। चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। अभी 3-4 दिनों के ब्लॉग में आपको डेली हैप्पी न्यू ईयर विश करेंगे हम। गुड नाइट, सो गाइस बाय बाय।
गाइस अभी मैं अनी को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ और घर आने के बाद मैं लॉक खोल रही थी, तो वो लॉक इतना कोशिश करने के बाद कब से मतलब आधे घंटे मैंने ट्राई किया, लॉक नहीं खुला, छाले भी आ गए हाथ में। फिर लास्ट में मुझे यहाँ अच्छा हुआ कि पास में बिल्डिंग की शॉप है तो वहाँ से मैं भैया को बुला लाई और उन्होंने ताला तोड़ दिया। तो ऐसा होता है कि चाबी होते हुए भी मतलब चाबी भी सेम थी, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, पता नहीं क्या हुआ, तो चाबी होते हुए भी घर का ताला तोड़ना पड़ा। अब बाकी लॉक भी चले गए तो अभी मुझे लॉक लेने भी जाना पड़ेगा। इसमें देखते हैं, आई थिंक लगा है क्या, एक लगा हुआ है, अच्छा हुआ एक मिल गया है। और इसकी की भी चाबी, हाँ इसकी चाबी मिल गई है, तो अच्छा हुआ कि लॉक है। हाँ बार बार आना जाना होता है। तो चलिए, ये हुआ कि अचानक कैसे अचानक मुसीबत आ जाए पता नहीं, अच्छा पर हो गया, ताला टूटा पर खुद तो गया। मुझे लगता है सामने वाली भी भाभी खुलवा रही हैं, भाई उनके यहाँ भी कोई लॉक, उनका तो हालांकि ओपन डोर में कोई लॉक लगा था, होती है बिना बुलाए मुसीबत, ऐसे घर का लॉक खुद से तोड़ना पड़ेगा, सोचा नहीं।